म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी पांचों बेटियों आशा, किरण, मनीषा, सोना और मिष्टी को उठाने उनके कमरे में जा रही थी। ये पांचों की पांचों अफलातून कभी भी समय से उठेंगी ही नहीं। रोज रोज महारानियों को उठाने जाना होता है। आज तो इनको इतना सोतूंगी कि सोएंगी नहीं रात को। सुमन जैसे ही अपनी पांचों बेटियों के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटियां अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी है। ये देखकर सुमन चिल्लाती हुई कहती है, हाय ये क्या हुआ मेरी बच्चियाँ? अच्छी सुनते हो, जल्दी आओ। मेरी बेटियाँ आशा, किरण, मनीषा, सोना, मिस्टी, बेटा उठो ना। मेरी बेटियों को क्या हुआ? हे भगवान, अजी कहा हो जल्दी आओ ना, देखो ना हमारी बेटियों को क्या हुआ। सुमन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका पति नारंग अपनी बेटियों के कमरे में आता है और वहाँ का नज़ारा देखकर कहता है, ये क्या हो गया? आए मेरी बच्चियाँ, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। जल्दी करिए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये क्या हुआ है इनको अचानक? हे भगवान मुझे उठा ले, लेकिन मेरी बच्चियों को कुछ मत करियो। सुमन के मुँह से ये सब सुनकर उसकी बड़ी बेटी आशा उठते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, उठो अब तुम सब यहाँ से। माँ कुछ नहीं हुआ हमें, ये सब बस मजाक था। आशा के उठते ही बाकी की चारों बहनें भी उठ जाती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, माँ कैसा लगा हमारा मजाक? डर गए ना? अपनी बेटियों का ऐसा बेहुदा मजाक देखकर सुमन पांचों को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, तुम पांचों की अफलातून गिरी की भी कोई हद होती है? अरे शर्म करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ये सोचा है ऐसा मजाक करने से हमारे दिल पर क्या बीती होगी? हाँ बच्चों, ये गलत है, तुम पांचों को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी माँ की हालत देखो क्या हो गई है। माँ हमें माफ कर दो, ये छोटी मिष्टी का आइडिया था। माफ कर दो, हमें लगा आज हम जल्दी उठ गए तो आप खुश होंगी। वो तो बस थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में हमने ये कर दिया। माफ कर दो माँ। तुम पांचों बात मत करना मेरे से, तुम्हारी ये अफलातून गिरी हरकतों से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। और ये जो बिस्तर का हाल किया है ना, अपने इस मगरमच्छ के आंसू जैसे झूठे खून से जो ये बेड गंदा किया है ना, इन सभी चीजों को तुम पांचों की पांचों धोने बैठ जाओ। माफ कर दो। सुमन इतना बोलकर चली जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन पांचों बहनों की ये अफलातून हरकतें खत्म नहीं होती। अपनी माँ से उस दिन इतनी डांट और मार खाकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ता। एक दिन पांचों जब कॉलेज से घर आती हैं, तो उनको अपने मोहल्ले में अपनी पड़ोसन सुजाता आंटी घर जाती दिखती है, जिसको देखकर मिष्टी बोलती है, बहनों देखो वो सुजाता आंटी जा रही है, मुझे वो ऐसे शांत शांत अच्छी नहीं लग रही है, तो करे कुछ अफलातूनी नेकी और पूछ पूछ। पांचों फिर से बड़ी शरारत करने की तैयारी करती हैं, जिसके लिए किरण के अलावा बाकी की चारों बहनें अपने मुंह से नकली खून निकालकर जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद किरण सुजाता को आवाज लगाते हुए कहती है, सुजाता आंटी यहाँ आओ। सुजाता जल्दी से वहाँ आती है और किरण की चारों बहनों को जमीन पर गिरा देखकर कहती है, अरे अरे किरण, ये क्या हुआ इन चारों को? खून कैसे निकल रहा है इनके मुंह से? आंटी मेरी बहनों ने जहर खा लिया और अब मैं भी खाने जा रही हूँ, आप हमारी माँ को सॉरी बोल देना हमारी तरफ से इसके लिए। इतना बोलकर किरण भी एक जहर की शीशी खोलती है और उसको पी लेती है, जिसके बाद उसके मुँह से भी खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर सुजाता बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए भागकर सुमन के घर जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए कहती है, सुमन बहन कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ, बहन जल्दी आओ ना, देखो जरा अपनी बेटियों को। सुमन बहन जोर जोर से अपने घर का दरवाजा पीटता हुआ देखकर सुमन गुस्से में दरवाजा खोलती है और दरवाजे को खोलते ही बोलती है, क्यों आफत मचा रखी है तुम पांचों ने? अरे सुजाता बहन तुम, मुझे लगा मेरी पांचों बेटियां हैं, वैसे आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सुमन बहन तुम्हारी बेटियां वहाँ, वो जहर, वो खून। एक मिनट, क्या हो गया सुजाता बहन? आराम से बैठो फिर बताओ क्या हुआ है। सुजाता आराम से बैठने की जगह सुमन का हाथ पकड़कर उसको उस जगह ले जाती है जहाँ सुमन की पांचों बेटियां बेहोश हुई थी। लेकिन अब जैसे ही सुमन को लेकर वो उस जगह आती है तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर सुजाता बोलती है, सुमन बहन तुम्हारी पांचों बेटियों ने जहर खा लिया था यहीं, अभी कुछ ही पल पहले वो पांचों यहीं बेहोश पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। नहीं सुजाता बहन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ कोई नहीं है। अगर पांचों यहाँ होती तो कोई एम्बुलेंस तो आती ना अब तक,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप धूप में घर आ रही होंगी तो धोखा हो गया होगा। आप चलिए घर, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। सुमन सुजाता को घर लेकर जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र रोड पर लाल रंग की कुछ बूंदों पर पड़ती है, जिसको देखकर सुमन मन में कहती है, ये पांचों सुधरेंगी नहीं, आज तो इनकी खाल मसाला मांग रही है। आए जरा ये पांचों अफलातून बहने घर, बताती हूँ इनको। सुमन सुजाता को घर छोड़कर अपने घर आती है, जहाँ कुछ देर में जब उसकी पांचों बेटियाँ चुपके से घर आ रही थी, तो अचानक से सुमन अपने हाथों में डंडा लिए उनके आगे आकर कहती है, रुको तुम पांचों, पहले थोड़ा थोड़ा जहर खा लो। माँ हमें माफ कर, हमें माफ कर दो। पांचों इतना बोलकर फट से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन अब समय गुजरता है और इसी के साथ पांचों की अफलातून हरकतें बढ़ती है। ये देखकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये पांचों की पांचों बहनें इतनी अफलातून हैं कि अब इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं कहती हूँ एक आदी के लिए रिश्ता देखना शुरू करो। अगर पांचों के लिए मिलते हैं लड़के तो पांचों के लिए ढूंढो। पांचों अलग अलग होंगी तब जाकर इनकी अफलातून गिरी कम होगी। ठीक है भाग्यवान, मैं देखता हूँ लड़के, वैसे भी अब उम्र हो गई है उनकी शादी लायक। नारंग पांचों बहनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करता है और किस्मत से पांचों बहनों के लिए एक ही घर के पांच लड़कों का रिश्ता मिलता है। ये खबर सुनकर सुमन कहती है, अजी आप पागल हो, पांचों को एक ही घर में भेजकर इनकी सास की अर्थी उठवानी है क्या? अरे अब अच्छा घर था तो मना कर देता क्या, और शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी पांचों के सर के ऊपर, तो उल्टी सीधी हरकतें भी बंद हो जाएंगी। शरारत करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, अब बातें कम करो, कल ही आएंगे लड़के इन पांचों को देखने के लिए। ये सारी बातें पांचों छुप कर सुन रही थी, जिसके बाद पांचों कमरे में जाकर बोलती हैं, आने दो लड़के वालों को, दिखा देंगे हम पांचों किस खेत की मूली हैं। किस खेत की है, एक मिनट, हम पांचों मूली हैं। चुप करो। हुआ अगले दिन लड़के वालों के आने से पहले पांचों बहनें तैयार हो जाती हैं, वो भी एक जैसी साड़ी पहनकर। ये देख कर सुमन बोलती है, तुम पांचों ने एक जैसी साड़ी क्यों पहनी है? माँ आप मतलब क्या है तुम्हारा? माँ मतलब लड़कों को हमें देखना है, हमारे कपड़ों को नहीं। अब वो एक जैसे हो या अलग अलग क्या फर्क पड़ता है? जरूर कुछ तो अफलातूनी करने वाली है ये पांचों, मुझे क्या, संभाले इनका बाप खुद ही। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं, पांचों लड़कों के साथ उनकी माँ कल्याणी देवी भी आती है, जो सुमन और नारंग से कहती है, भाई साहब अब तो सब्र नहीं हो रहा, आप अपनी पांचों बेटियों को बुलाओ ताकि मेरे बेटे देख सके। वैसे एक बात कहूँ, ये पांचों भाई थोड़े खुराफाती हैं, तो आपकी बेटियाँ संभाल लेंगी ना इन्हें? हमारी वाली इनकी भी माएँ निकलेंगी। कुछ बोली आप? नहीं नहीं जी, मैंने कहा अभी बुलाती हूँ उन पांचों को। सुमन पांचों को बाहर बुलाती है, जिसके बाद पांचों की पांचों बाहर घूंघट में आती हैं और उन सब के सामने आकर घूंघट हटाती हैं, जिसमें से उनके अजीबोगरीब चेहरे दिखते हैं। पांचों ने उटपटांग सा मुंह बनाया हुआ था। ये देखकर पांचों लड़के जोर जोर से हंसते हुए खुद भी मुंह बनाने लगते हैं, और ये सब देखकर आशा कहती है, अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, खुराफाती। माँ हमें रिश्ता मंजूर है, हम पांचों बहू बनकर जाएंगी। उन पांचों की बात सुनकर लड़के भी हाँ कर देते हैं, और ये देखकर कल्याणी बोलती है, हे भगवान, मैं तो अपने अफलातून बेटों के लिए समझदार लड़कियां ढूंढने आई थी, लेकिन ये तो इन्हीं की परछाई निकली। बहन जी अब देखिए, भगवान मालिक है आपका तो, क्योंकि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पांचों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद पांचों की शादी हो जाती है। लेकिन पांच अफलातून बहनों का खुराफाती दिमाग अब ससुराल में किस प्रकार एक साथ चलेगा, ये तो भगवान जाने। बाकी आप सभी बताइए, आपको कहानी कैसी लगी? हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। राधिका अपने हाथ में एक लेटर लिए अपनी बॉडी के टैटू को देखकर फूट फूट कर रो रही होती है, और रोते रोते खुद से कहती है, राधिका ये तूने क्या किया, इस शहर में तू अपने सपने लेकर आई थी और ये सब करने लग गई। माँ कितने गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी आर्मी से एक ऑफिसर बनके लौटेगी, और तूने ये टैटू बनवा लिए। आज अगर ये तेरा टैटू ना होता तो शायद तेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तभी उसके गांव से उसकी बचपन की दोस्त मीरा का फोन आता है।
राधिका अपने आंसू पोंछकर मीरा का फोन उठाती है और मीरा बोलती है, हाँ राधिका, तेरा सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं यार, मुझे होल्ड पर रखा है क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत सारे टैटू है ना। ओह, ये तो होना ही था यार। तो तूने ये टैटू बनवाया ही क्यों? तुझे पता है ना, सरकारी नौकरी में यह सब नहीं चलता। क्या बताऊँ यार, बोल ना, बात क्या है? तू कुछ तो छुपा रही है, बता। ठीक है, सुन फिर। राधिका दिल्ली में अपना आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर आई थी। ये शहर राधिका के लिए नया था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात बस में एक आमिर नाम के लड़के से होती है। दोनों कुछ ही देर बातें करते हैं और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और राधिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब वो अपने सपने को पीछे छोड़कर बस आमिर में ही खोई रहती थी। ऐसे ही एक रात वो आमिर को कॉल करती है और उससे कहती है, हाय, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद। ओ, अगर याद आ रही थी तो फोन कर लेते। अरे पागल, जैसे ही फोन उठाया करूं, मगर इससे पहले तुम्हारा फोन आ गया। कोई नहीं, मैं करूं या तुम करो, बात तो एक ही है। और वैसे हम कब मिल रहे हैं? क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ, बस मुझे ना किसी को प्रपोज करना है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? जान लेना वक्त आने पर। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए, कब मिल रहे हैं हम? कल ही मिले। हाँ ठीक है, मगर एक दिक्कत है, मैं इस शहर में नई हूँ तो मुझे ज्यादा रास्ते नहीं पता है। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम इस शहर की नई हो, मगर मैं तो हूँ, मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम्हारे रहते मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह राधिका उठकर अपने लिए चाय बनाती है और नाश्ता करने के बाद तैयार होकर आमिर का वेट करती है। थोड़ी ही देर के बाद आमिर अपनी बाइक लेकर राधिका के घर के बाहर आ जाता है और राधिका को बाइक पर बिठा कर ले जाता है। बाइक पर बैठे बैठे आमिर उससे कहता है, वैसे सच में आज तो माल लग रही हो। क्या मतलब, कमाल लग रहे हो। जी शुक्रिया। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। हाँ बस झूठ बोलना आता है तुम्हें। अरे सच में डफर, अच्छे लग रहे हो। थोड़ी ही देर के बाद पार्क के पास आमिर बाइक रोक देता है और दोनों उस पार्क में एक साथ जाते हैं, जहाँ आमिर अपने घुटनों के बल बैठकर राधिका को प्रपोज करता है और कहता है, राधिका मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या ये जल्दबाजी है? क्या मैं सच में आमिर से प्यार करती हूँ? बोलो यार, नहीं बोला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आमिर यार, ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तभी आमिर चेस्ट की साइड से अपनी शर्ट हटाकर राधिका को उसके नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर राधिका बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि आमिर सच में उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हाँ बोल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते। ऐसे ही एक दिन आमिर राधिका दोनों घूमने जाते हैं कि तभी आमिर राधिका से कहता है, अच्छा तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इतना कि उसको कभी बयां नहीं किया जा सकता। सच में? अगर ऐसा है तो मेरे नाम का टैटू बनवाना होगा तुम्हें, बोलो, वो भी अपने हाथ पर। राधिका उसके प्यार में अंधी हो जाती है और उसके कहने पर उसके नाम का टैटू बनवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब जब भी आमिर और राधिका मिला करते तो दोनों ही बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू बनवाया करते, कभी कलाई पर, कभी पैर पर, कभी कमर पर, तो कभी कंधे पर। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और आमिर अब राधिका को समय देना बंद कर देता है, उससे मिलना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की आ चुकी थी जिसकी भनक राधिका को बिल्कुल नहीं थी। मगर वो फिर भी आमिर को फोन करती, उसका फोन बिजी आता था। ऐसे ही एक दिन आमिर खुद उसको फोन करके उससे कहता है, यार राधिका मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो यार, अब किसी और के साथ खुश हूँ और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अच्छा मजाक बनाया तुमने मेरा, आखिर मुझ में और मेरे प्यार में क्या कमी थी? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, इस दिल्ली जैसे शहर में ये सब नॉर्मल है, GF BF बनाना और फिर नई GF बनाना। तुम्हें पता भी है,
मुझे कितना हर्ट हो रहा है। अरे जाना, कोई दूसरा बीएफ बना ले। मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि हमेशा तेरा बीएफ रहूंगा। कितना घटिया इंसान हो तुम। क्या मिला तुम्हें मेरी हंसते खेलते जिंदगी बिगाड़ कर। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे और तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अगर इतना सब कुछ करना था तो इतने बड़े बड़े झूठे वादे करने की क्या जरूरत थी। अब मैं घटिया हूँ, अच्छा हूँ या जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ ये तो तुम जान ही गई हो। तो बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। राधिका ये सुनते ही फोन काट देती है और उसका माइंड इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब लगभग आधे बॉडी पर टैटू बनवा चुकी थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। राधिका इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल करती है और कुछ ही समय के बाद उसका एग्जाम होता है जिसे वो क्लियर कर देती है और फिर उसका फिजिकल एग्जाम होता है और वो उसे भी क्लियर कर देती है। लेकिन इस सब के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है जहां उसकी बॉडीज पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू होने की वजह से उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मीरा राधिका से कहती है, किसी को क्या दोष देना इसमें। अच्छा अभी तुझे होल्ड पर रखा है मतलब अभी भी तेरे पास एक मौका है। तो यार तू तो दिल्ली में रहती है इतने बड़े शहर में, कुछ तो इलाज ढूंढ इस टैटू का। जरा नेट पर तो चेक कर एक बार। हाँ यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी इस गलती की वजह से मेरा सपना अधूरा ना रह जाए। राधिका नेट पर टैटू रिमूव करवाने के लिए क्लिनिक ढूंढती है और जब उसे मिल जाता है तो वो उस क्लिनिक पर जाती है। जब डॉक्टर उसके टैटू देखते हैं तो उसे कहते हैं, आपका टैटू रिमूव हो जाएगा मगर इसको करीबन 5 से 6 सिटिंग देनी होगी और इसमें आपका अच्छा पैसा खर्च होगा। बस आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर राधिका का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और राधिका डॉक्टर के पास 5 से 6 सिटिंग लेने के लिए समय समय पर आती रहती है। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी से सारे टैटूज रिमूव हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से आर्मी का मेडिकल देती है और इस बार वो क्लियर कर देती है। साथ ही उसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और वो एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।